हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग की क्लीनिंग का काम हो चुका पूरा, झाड़ू पोंछा डस्टिंग वगैरह सब हो गई। और उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ, तो आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, क्योंकि मोलू छोटा है ना, तो वो कभी भी रोटी मांगने लगता है, पराठा मांगने लगता है। रोटी, पराठा एंड पूरी, ये तीन चीज़ ही मांगता है वो हमेशा। तो मैं आटा हमेशा लगा के रखती हूँ, ताकि वो जब भी डिमांड करे तो मैं फटाफट से उसको बना के दे दूँ। और अभी मैं अरवी को धो रही हूँ, क्योंकि मैं अरवी को बॉयल करने रखने वाली हूँ। तो अभी आपको दिख नहीं रहा, मैं सिंक के पास खड़ी हूँ और अरवी को धो के लाई हूँ, और बस उनको मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो जब तक अरवी बॉईल होएंगी, तब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी, प्याज वगैरह जो उनका मसाला वगैरह बनाना होता है उसके लिए प्याज वगैरह कट कर लूँगी। और आरू को मैंने ककड़ी धो के दी है, क्योंकि आरू को ना ककड़ी बहुत पसंद है। ये जितनी भी ककड़ी रखी है ना, ये जय और आरू ने ही फिनिश कर दी थी। आरू तो सारे दिन खाती है, देखो आई और बोलती है मम्मी मुझे ककड़ी दे दो धो के। तो ब्रश वगैरह सब बच्चे कर चुके हैं, अभी नहाई नहीं है वो, लेकिन ब्रश वगैरह तो सब बच्चे हमारे सुबह ही कर लेते हैं। तो फिर मैंने उसको ककड़ी धो के दे दी, मुझे लगा मैंने पहले धो के दे दी है लेकिन अब दी है, तो उसको मैंने धो के दे दी। और बस यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का जो खाना पीना है वो स्टार्ट कर दिया। आज मैंने नहाने से पहले ही ना सब्जी वगैरह बना के रख दी, क्योंकि अचानक से ना घर पे रहते हैं ना, तो अचानक से कभी भी मांगने लगते हैं। और नाश्ता बनाओ, फिर 12 बजे खाना बनाओ, फिर 4 बजे नाश्ता बनाओ, तो हम लोग पता बना तो दूँ लेकिन मेरे घर में फिर बनाया हुआ फिक जाता है। तो जय ने बोला कि मुझे तो सीधे खाना ही दिया करो, क्योंकि उनकी आदत है, वो सुबह स्कूल में जाते थे तो सुबह ही उनका टिफ़िन जाता था। तो बोलते हैं मुझे तो सुबह खाना चाहिए, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं खाना ही बना देती हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैं ना लंच की ही तैयारी कर रही हूँ, कोई ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं है। तो अरवी बॉयल हो रही है, साथ ही साथ मैं प्याज काट रही हूँ, और साथ ही साथ मैं फ़ोन पर बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं अगर फ़ोन लेके बैठी रहूँ ना तो मेरा काम तो फिर पूरे दिन के लिए डिले ही होता रहेगा। तो मैंने अरवी चेक करके देखी तो वो हुई नहीं थी, और मुझे दाल भी चढ़ानी थी, तो मैंने दूसरे कुकर में अरवी बॉईल होने के लिए रख दी। और इस वाले कुकर में मैं बनाऊंगी उड़द की दाल, जो कि मैंने रात को ही भिगो के रखी थी। तो जय ने मना कर दिया रात को मत बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी मॉर्निंग की सब्जी रखी थी, तो बोले मत बनाओ, हम दो ही खाने वाले हैं तो सारी सब्जी वगैरह वेस्ट हो जाती है, क्यों आज के माहौल में वेस्ट करें, सुबह का शाम से काम चला लेते हैं, क्योंकि आजकल का माहौल तो आप जान ही रहे हो। तो इसी वजह से फिर उन्होंने भिगो रख दी, तो दाल रात की भिगी हुई थी, तो मैंने उसको 4 से 5 बार धो के साफ़ किया, तो उसके जितने भी छिलके थे ना वो सारे छिलके निकल गए, क्योंकि रात की दाल रखी रहती है तो उसमें हल्की सी स्मेल आ जाती है। और यहाँ पर मैं दाल के तड़के के लिए प्याज को मैंने भून लिया, टमाटर मैंने भून लिए इसमें डाल के, ऑयल भी डाला था। तो सारी चीज़ों को मैं पहले भून लूँगी अच्छी तरह से, और जैसे मैं दाल बनाती हूँ बस उसी तरह से बना रही हूँ, सिंपल तरीका है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है वो तो आप लोग जानते ही। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके भी बताया कि दीदी आपके तरीके से हमने दाल बनाई तो बहुत टेस्टी बनी, उसके लिए थैंक्स। मैं आप सबको थैंक्स बोलती हूँ कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ट्राई किया और आपकी रेसिपी भी अच्छी ही बनी। तो दिल बहुत खुश हो जाता है जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है, तो उसके लिए थैंक्स, मैं आप सबको थैंक्स कहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने दाल को बनने के लिए रख दिया, और दाल में मैंने 1.5 गिलास के करीबन पानी डाल दिया, सारे स्पाइसेस डाल दिए, नमक भी डाल दिया, और मैं इसको अब ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटी आने दूंगी, क्योंकि उड़द की दाल को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे दाल में सीटी आ रही है, तब तक मैं जो अरवी थी उनको मैंने पानी से निकाल लिया, ठंडा भी कर लिया, और उनको अब मैं छील रही हूँ, क्योंकि मैं अरवी की सूखी सब्जी बना रही हूँ। तो मैं थोड़ी अलग स्टाइल से बनाती हूँ, काफ़ी लोग जिस तरह से हम सूखे आलू की सब्जी बनाते हैं उस तरह से बनाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि अरवी के अंदर सारे जो स्पाइसेस होते हैं ना वो नहीं जाते, और जब हम अरवी को खाते हैं तो वो अंदर से एकदम फीकी फीकी से लगती है, इसलिए मुझे उस तरह की अरवी नहीं पसंद है। और मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, तो आप लोग देखना कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने आज तक अपने चैनल पर ना अरवी की रेसिपी शेयर नहीं की है, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। और ये सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, स्पेशली कोई भी दाल हो या रसे वाली सब्जी हो उसके साथ में। तो यहाँ ऑयल के अंदर मैंने थोड़ी सी डाली है, इसे क्या कहते हैं, अजवाइन, यस मैंने अजवाइन डाली है। और उसके बाद मैंने डाली है प्याज और हरी मिर्च, ये दोनों चीज़ों को भून लिया। उसके बाद मैंने अरवी को छोटा छोटा सा काट लिया था, और उनको अरवी को मैंने ऐड कर दिया, और अच्छी तरह से ऑयल के अंदर मिक्स कर लूँगी। फिर मैं डालूँगी बाकी के स्पाइसेस, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, एक चम्मच के करीबन मैंने धनिया पाउडर डाला है, क्योंकि मुझे इसे बहुत ही ड्राई ड्राई सा बनाना है। और बस सारे मसाले मैं अच्छी तरह से मिलाती जाऊंगी, और अरवीज के जितने भी मैंने क्यूब्स रखे हैं उनको मुझे कट कर लेना है, बिल्कुल एकदम मैश कर देना है,
जैसे कि हम सूखे आलू का भरता बनाते हैं ना, उसी तरह से हमको इसे मैश कर देना है। और यहाँ पे मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद में डालूंगी आधी चम्मच के करीबन यहाँ पे अमचूर पाउडर। तो ये सब्जी इसी तरह से बनाते हैं, और एक बार आप लोग ट्राई करना, रियली आपको अच्छी लगेगी। जो अरबी की सब्जी नहीं खाता वो भी खाने लगेगा। और उसके बाद मैंने डाल दिया है गरम मसाला, और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मुझे पका लेना है, और अरबी को ना थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है, जैसे कि वो कढ़ाई में लगने लगे और आपको उसे खुरचना पड़े। तब तक आपको इसको पकाना है तो ही अच्छी लगेगी, नहीं तो फिर ये चिकनी चिकनी सी लगने लगती है। और यहाँ पे मैंने हरे धनिया डाल दिए, और इसको भी मैं अभी पकाती ही रहूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक ये कढ़ाई में चिपकने ना लगे। और इसे मुझे बस एकदम क्रिस्पी सा बनाना है, और उसके बाद ही हल्की सी कुरकुरापन आ जाए सब्जी के अंदर, तो समझिए आपकी सब्जी हो गई। और यहाँ पे दाल भी बॉयल हो चुकी है, तो मैंने हरे धनिया डाल दिए दाल में, और साथ ही मैं डाल दूँगी गरम मसाला। तो मैंने उतारने के बाद डाला है कुकर उतारने के बाद डाला है, क्योंकि दाल अभी गर्म है तो ये दोनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। इनको अच्छे से घोंट दूंगी, और जो उड़द की दाल है ये थोड़ी खड़ी खड़ी सी बनती है तो ये अच्छी लगती है। अगर आप इसे बिल्कुल मैश कर देंगे तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। और इतनी अच्छी दाल बनी थी ना कि जय ने पूरी ख़त्म कर दी, केवल एक कटोरी बचाई थी मेरे लिए, क्योंकि उनकी ये वाली दाल फेवरेट है। और दाल वगैरह सब्जी वगैरह सब बना दी, और जो भी बर्तन हुए थे सुबह से लेके अभी तक के, वो सारे मैंने धो दिए, साफ़ कर दिए। और उसके बाद सीधे मैं नहाने चली जाऊंगी, उसके बाद आके फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें मैंने इसमें शेयर नहीं की, मैं सीधे आपको थाली लगा के दे देती हूँ कि आ जाइए आप लोग खाना खा लीजिए। और कैसा बना है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट है ना मेरे अंदर 110% फुल ऑफ एनर्जी भर देते हैं। इसी वजह से मैं दूसरी वीडियो बनाने के लिए नेक्स्ट डे भी रेडी हो जाती हूँ कि चलो मुझे वीडियो बनानी है। और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए मैं दिल से आप सबको थैंक्स बोलती हूँ। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, बस अपना प्यार इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखना, ताकि मेरे अंदर इसी तरह की हिम्मत रहे और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती रहूं। तो बस आप लोगों का यही प्यार हमेशा से चाहती हूं, बस इसको बनाए रखना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना। तो बस आप लोग आ जाइए, लंच कर लीजिए। ये है खूब सारा सलाद, दाल देसी घी वाली जो मैंने ऊपर से घी डाला है, अरवी की सब्जी, और मेरे फेवरेट करेला। बट अब ये करेले ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं लास्ट बार आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे करेले अब ख़त्म हो चुके हैं। तो ये है हमारा सिंपल सा लंच, आप लोग भी आ जाइए, साथ में मिलके लंच करते हैं। एवरीवन, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30। मैं आई थी बाहर कपड़े उठाने के लिए, तो ध्यान आया कि आज तक कपड़े मैंने धोए ही नहीं है। 2-3 कपड़े थे तो धोए नहीं थे, और आज मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। आपको फोन में नहीं दिखेगा, मुझे दिख रहा है, बहुत ही बारिश वाला सुबह से ना, बस सुबह तो बारिश हुई थी, अब एकदम बादल वाला सुहाना सा मौसम होता है ना, वो हो रहा है। और जल्दी क्या ले रहे हो? और हाँ, मैं अभी किचन में जा रही थी तो हाथ धोने आई थी, क्योंकि आरू मोलू को भूख लग रही है। सुबह अरवी की सब्जी बनाई, दाल बनाई, दाल खत्म, अरवी की सब्जी रखी है थोड़ी, और रोटियां भी खत्म। अब उन दोनों को लग रही है भूख, तो बोल रहे हैं कुछ ना कुछ बना दो ना, मुझे चाबी हाथ में, बोल रहे हैं मम्मी कुछ ना कुछ बना दो हमारे लिए। तो अब मैं सोच रही जाऊं उनके लिए कुछ बनाऊं, और ये चल दिए बाहर टहलने के लिए। हाँ, यानी ये गेट के बाहर, वैसे बाहर कहीं नहीं जा रहे, बस यहीं खड़े हैं। और हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ उनके लिए नमकीन पूड़ियाँ, चाय के साथ खा लेंगे, और तो कुछ हम लोग ऐसा खाते नहीं है, तो चाय के साथ खा लेंगे वो दोनों। और पता बाहर आके बात क्यों कर रही है, एक तो मौसम भी अच्छा है, और है ना अंदर राजा अन्नू सब बच्चे बैठे हैं, वो लोग चला रहे हैं टीवी बहुत तेज आवाज में, तो फिर आप लोगों को शायद यहाँ तक भी आवाज आ रही होगी। तो मैंने सोचा मैं बाहर जाके इतने नाम से बात कर लेती हूँ। और बालों में बहुत सारा तेल डाल रखा है, कॉम अभी तक नहीं किया, पर आज ना मैंने ऐसे नाखून से ऐसे तो खुजा रही थी, तो यहाँ पे ब्लड निकल आया। हाँ, अब उनको भूख लगी, मैंने कहा ना मैं पूड़ी बनाती हूँ, तो बस जल्दी बनाओ, अब सब्र नहीं हो रहा, तो मैं चलती हूँ अंदर चल के पूड़ी बनाती हूँ ना। मैं ले लेती हूँ, आटा लगाना पड़ेगा, आटा भी तो नहीं है। ये सारे सुबह के बर्तन है जो धोके मैंने यही रख दिए थे, क्योंकि ना बास्केट में जगह ही नहीं थी। कितना चिल्ला रहे हैं लोग, पहले मैं इनको लगा देती हूँ स्टैंड में, फिर लगाती हूँ आटा। Thank you.
बना रही हूँ। आटा लगा लूँ पहले? आटा नहीं है। बना रही हूँ। काफ़ी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, उसके लिए सॉरी, इसीलिए मैंने फिर म्यूट कर दी, क्योंकि बच्चे हैं, टीवी भी चला रहे हैं, कैरम भी खेल रहे हैं, तो पूरे घर में शोर शराबा हो रहा है। तो यहाँ मैंने लिया है, समझिए कि एक कटोरी के करीबन आटा और आधी कटोरी के करीबन सूजी मैंने ली है वहाँ, और उसके बाद में डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ी सी मैं अजवाइन लूँगी जिनको कि मैं हाथों पे ही क्रश करके डाल दूँगी। और याद रहे इस रेसिपी में आप थोड़ा सा ऑयल भी डालें, मैं डालना भूल गई थी। तो पूरी जब एकदम कढ़ाई में से निकल के बनी तब तो बहुत अच्छी थी, लेकिन रखने के बाद वो चीचड़ सी हो रही थी, तो ऑयल बहुत ज़रूरी है, थोड़ा तो डालें ही, ज़्यादा नहीं तो एक चम्मच तो डालें ही। और उसके बाद बस मैं आटा यहाँ पे लगा कर रेडी कर दूँगी। और पूरी का जो डो होता है वो थोड़ा सा टाइट लगता है रोटी के डो के अकॉर्डिंग, और ये सूजी वाली अगर मैं लगा रही हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट लगाऊँगी, क्योंकि रखने के बाद ये फिर और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगा, क्योंकि सूजी फूलती है। और ये इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि चाट मसाला, हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, या फिर ये सारी चीज़ें डाल के बनाएंगे तो और अच्छी लगेगी। बट मैं मोलू की वजह से, आरू की वजह से बना रही थी, तो मैंने केवल नमक और अजवाइन ही डाला है। नहीं तो आप इसे नमकीन वाली जो पूड़ियाँ होती हैं ना वो बनाएं ना, तीखी स्पाइसी वाली, तो बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन बच्चों की वजह से मैं कई चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हम तो मिर्च वाली खा लेंगे लेकिन फिर बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और अभी ये स्पेशल, ये तो अभी आरू और मोलू के लिए ही बन रहा था, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी, क्योंकि घर में और भी बच्चे थे, अन्नू, राजा और हमारे पड़ोस के बच्चे भी थे, सब कैरम खेल रहे थे, तो मैंने कहा कि ज़्यादा बना लेती हूँ, अगर वो लोग भी खाएंगे तो खा लेंगे। तो कुछ ने खाया, कुछ ने नहीं खाया, तो बच गई थी काफ़ी सारी पूड़ियाँ जो मैंने नाइट में खाई थी। तो जो सच है ना वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सच में मैंने नाइट में खाई थी, क्योंकि पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और जब डब्बे में रख दी थी ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गई थी। तो बस यहाँ पे आटा लगाया ना, उसकी वजह से पूरी गैस पर आटा उड़ गया था, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, जो आपको नहीं दिख रहा लेकिन मुझे दिख रहा था। तो मैंने गैस क्लीन कर दी, और अब बस यहाँ पर मैं फटाफट से बना दूंगी पूड़ियाँ, क्योंकि मोलू ने ना चिल्ला चिल्ला के मेरे नाक में दम कर दी थी, मम्मी जल्दी बनाओ, मम्मी जल्दी बनाओ। आपने इससे पहले थोड़ा सुना भी होगा, तो अभी भी उसका कंटिन्यूसली चिल्लाना लगा ही था कि जल्दी दो जल्दी दो, तो वो एक पल की सब्र नहीं रखता। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने बनाया है, एक मिनट की भी मैंने, एक सेकंड की भी देरी नहीं की है, फटाफट से बना रही हूँ, ताकि बस मैं दो तीन पूड़ी बना लूँ और उसको दे दूँ। तो बस यहाँ पर अब पूड़ियाँ बनने स्टार्ट हो चुकी। मैंने कढ़ाई में तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि जब तक मैं पूड़ियों को बेल के रेडी करूँगी तब तक मेरी कढ़ाई और तेल है ना जो वो अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ मैंने काफ़ी सारी बेल के रख ली हैं जब तक तेल गर्म हुआ था, और बस यहाँ पे फुली पूड़ियाँ रेडी हैं। तो आप लोग भी आ जाइए और चाय नाश्ता करिए आके, क्योंकि शाम का टाइम अभी 3:30 हो रहे हैं और मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, यानी आप लोग खुद ही सोचिए कि पूरा दिन आजकल है ना किचन में ही जाता है। चाहे फिर सुबह कितना भी अच्छा खाना बना लो, कितना भी जल्दी बना लो, लेकिन आपको दोपहर में आके वापस से किचन में लगना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि, कई लोग कहते हैं ना कि हमारी बड़ी फैमिली है इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है, डियर बड़ी फैमिली हो चाहे छोटी फैमिली हो, औरत को तो काम करना ही है। ऐसा नहीं है कि अगर छोटी फैमिली हो तो काम नहीं है, कोई कैसी भी फैमिली हो, जॉइंट फैमिली हो या अलग हम रह रहे हैं, लेकिन हर तरह से काम तो करना ही होता है, क्योंकि औरत की ज़िंदगी भगवान ने ऐसी ही बनाई है, उसको तो काम करना ही है। तो काम से कभी पीछे मत हटे, कभी हताश ना हो, ये हमारी ज़िंदगी है और ज़िंदगी को हंस के जिए। और बस यहाँ पे मैंने चाय बना ली है, और आज आप लोग मुझे डांटोगे लेकिन आज बच्चों ने चाय पी थी, उनका मन था बहुत ज़्यादा। और मैंने अगर मैं अगर इसमें दूध भी डाल देती ना तो मोलू तो पी लेता, बट आरू नहीं पीती। वैसे मैं बच्चों को चाय कभी नहीं देती हूँ, आप लोगों ने खुद देखा है मैं कभी नहीं देती हूँ, बट आज पूड़ी बनी तो वो लोग जिद कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो एक दो दिन में कुछ नहीं जाता, कभी कभार एक दिन तो दे ही सकते हैं, साल में एक दिन तो चाय दे सकते हैं बच्चों को, तो बस इसलिए मैंने दे दी थी। तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग मुझे डांटना नहीं, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ चाय नहीं देते बच्चों को, लेकिन जब कभी कभार ऐसी कोई चीज़ बनती है तो थोड़ा सा मैं चला लेती हूँ। और थक चुकी, एक गिलास पानी पिया और बस यहाँ पे मैं भी आ गई थी। मैंने भी दो पूड़ी खाई थी चाय के साथ, ज़्यादा नहीं, बस दो ही खाई थी। तो ये हमारा आज आफ्टरनून का ना ब्रेकफास्ट था। तो बस यहाँ पे आरू, मोलू, मैं, राजा, अन्नू, हम सब बैठे थे
और बस अब मैं यहाँ पे शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं जय के लिए चाय बना रही हूँ। आज उन्होंने डिमांड करी कि रिनू चाय बना दे, क्योंकि वो बिल्कुल भी शाम को चाय नहीं पीते हैं। आज पता नहीं सूरज कहाँ से होगा, तो उन्होंने कहा कि चाय बना दे। तो मैं दोपहर में चाय पी चुकी थी, तो मैं नहीं पीने वाली हूँ। और मैंने अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी के लिए दूध निकाल लिया गर्म करके, और जय के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अदरक वाली। और हमारे घर में सब अदरक वाली ही चाय पीते हैं, तो लेकिन मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ क्योंकि चाय से मुझे एसिडिटी हो जाती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। मैं बस मॉर्निंग में पी लूँ, कभी कभार अगर दोपहर में, जैसे आज इत्तेफाक हो गया तो मैंने पी, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ दोपहर में। तो लेकिन आज पूड़ियाँ थी इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय ले ली थी। और बस यहाँ पे अब मैं अदरक डाल दूँगी कूट के। और मेरी आदत है कि मैं चाय को ना काफ़ी देर तक बॉईल करती हूँ, क्योंकि चाय को आप अच्छे से बॉईल करोगे उसका कच्चापन चला जाएगा और सारे जो फ्लेवर होते हैं जैसे चाय पत्ती के और अदरक के फ्लेवर अच्छे तरह से चाय में मिल जाते हैं, उसके बाद ही चाय का असली वाला टेस्ट आता है। तो हो सके चाय को थोड़ा ज़्यादा बॉईल किया करें तो चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और यहाँ पर मेरी कॉफ़ी बनके रेडी हो रही है, क्योंकि मैंने कप के अंदर दूध लिया था, उसमें चीनी और थोड़ा सा मैंने कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है, तो मेरी कॉफ़ी भी बनके यहाँ रेडी हो जाएगी। और फिलहाल अब मैं जय के पास गई थी। मैं एक्चुअली ना टीवी देख रही थी, और टीवी देखते देखते बार बार मैंने चाय भी देखने आ रही थी, क्योंकि वो कुछ देख रहे थे, आई थिंक न्यूज़ देख रहे थे। तो बस आज का व्लॉग भी मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो। और आ जाइए आज तो मेरे साथ, आप दो बार चाय पी लीजिए, एक बार पहले पिला चुकी और अब मैं दूसरी बार पिला रही हूँ। जिसको चाय पीनी हो वो चाय पी ले, जिसको कॉफ़ी पीनी हो वो कॉफ़ी पी ले। और पहले चाय कॉफ़ी देकर आई, उसके बाद बोलते हैं कि थोड़े से बिस्किट ले आओ, क्योंकि वो खाते नहीं है ना, तो मैं लेकर नहीं गई। बट आज तो उन्होंने कुछ अलग ही डिमांड करी, तो मैं फिर से आई, फिर मैंने अपने कॉफ़ी का कप यहाँ रख दिया और उनके लिए मैं बिस्किट लेके गई, तो उन्होंने बिस्किट खाए। हम तो खा चुके थे पूरी, तो मैं कुछ भी नहीं खाने वाली थी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू, फिर मिलेंगे।